गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी अपने लटके हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। इन एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टमी विद इन अ मंथ यानी एक महीना लगातार आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपके पेट एकदम से अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं अपने डेली रूटीन में तो विद इन 6 मंथ्स आपके एब्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जो भी मैं आपको कमिटमेंट कर रही हूँ, एक महीने में पेट कम होने का, 6 मंथ्स में एब्स आने का, तो डेफिनेटली आपको इतना टाइम अपनी बॉडी को देना पड़ेगा। देखिए, हम लोग इस भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि हम जिंदगी भर हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें, तो अपने लिए अगर टाइम नहीं निकाला तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डेली रूटीन में आपने कुछ चीज़ें चेंज आउट करनी है। एक तो पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, और जितना टाइम आप ये वर्कआउट यानी आज से आप मेरे साथ अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने नॉन हेल्दी फूड नहीं इनटेक करना, जिसमें कि आपने चीनी, नमक ये सब चीज़ें ज़्यादा इनटेक नहीं करनी। चीनी तो बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है। आपने बाहर का खाना नहीं खाना, और इसके साथ से ज़्यादा ऑयली फूड आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट के साथ ये सब चीज़ें इनटेक करते हैं तो आपका वर्कआउट करना पूरा वेस्ट हो जाता है और उसके बाद आपको लगेगा कि आप में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, एक्सरसाइज अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज सब बहुत अच्छी होती हैं, उनके रैप ज़्यादा करने हैं और हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है। डाइट बहुत बड़ा काम करती है हमें वेट लॉस करने में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। स्ट्रेस आपने कम लेना है, बहुत खुश रहना है, अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @ishramehra मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इतना बेहतरीन वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, उसके बाद अपनी लेग से आपने सर्कल रोटेट करना है, ठीक है। आपने इसको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। ऐसा करने से आपका लोअर टमी और अपर टमी बहुत ही अच्छे से रिड्यूस होता है, ट्रस्ट मी। और जो आपकी स्किन एकदम डिलीवरी के बाद भी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है, लटक सी गई है, ये उसको भी टाइटन करता है। तो आप इसको जरूर रिपीट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करेंगे आप क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों के करने हैं आपने 4 सेट्स। इसके बाद हम लेंगे 10 सेकंड्स का रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हैंड को मैट पे इस तरीके से प्लेस कर लीजिए और अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए आपने राइट आर्म से अपने लेफ्ट टोज को टच करना है और लेफ्ट हैंड से अपने राइट टोज को टच करना है। ऐसे 1 by 1 आपने करके करना है। ये आपके लोअर टमी अपर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। साथ में इसका सेकेंड मसल पे इफेक्ट आता है, वो है आपकी आर्म्स। आर्म्स को भी बहुत अच्छे से टोन करता है, शोल्डर को आपको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि बहुत लोगों को शोल्डर में पेन रहता है, तो अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके शोल्डर की मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, जिससे कि पेन दूर हो जाता है। इसको आपने करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। मेक श्योर जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सब में आपका जो पेट है वो बिल्कुल आप स्क्वीज करके रखेंगे, टमी को एकदम अंदर टक करके रखेंगे, तभी वो आपके टमी पे लोड डालेगा और वहां के फैट को रिड्यूस करके आपकी मसल को टोन अप करेगा। अब लेंगे हम 10 सेकंड्स का रेस्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है, इसके लिए फटाफट से आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए और आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करना है, दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है, अपनी दोनों हैंड्स को ज्वाइन करते हुए पीछे लेकर जाइए, देन अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट करके आगे लेकर आइए और दोनों के पैरों के बीच का फेस को आपने टच करना है इस तरीके से। ऐसा आपने 20 बार करना है और इसके करने हैं आपने 4 सेट। स्टार्टिंग में आपके पैर जो है वो मैट से उठेंगे तो आप अपने पैरों पर कुछ वेट भी रख सकते हैं जिससे कि आपके पैर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही पोजीशन में रहें, क्योंकि अगर आपके पैर उठेंगे मैट से तो आपके टमी पे लोड नहीं आएगा, ठीक है। जब आप ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट, जब नीचे आएंगे तो ब्रीथ इन। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, प्लीज इसको करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए, देन ऊपर आपने अपनी हाफ बॉडी को लिफ्ट करना है, अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है, देन अपने दोनों हैंड से अपने पैरों के टोज को टच करना है और अपनी बॉडी को आगे लेकर आना है। नीज आपकी चेस्ट के साथ टच होंगे, देन फिर आपकी चेस्ट बैक साइड पे जाएगी और लेग्स भी आपके बैक साइड पे जाएंगे। ऐसा आपने 20 बार करना है और इसे करने हैं आपने 4 सेट। ये हद से ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके लोअर और अपर टमी के लिए। Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप मैट पे हैंड को इस तरीके से प्लेस कर लीजिए, पैरों की पोजीशन आपकी यही फोल्डिंग में रहेगी, देन आपने अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड, देन बैक लेकर आना है। जब आप अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो इससे आपके टमी एरिया में पूरा स्ट्रेच फील होगा और वही स्ट्रेच जो आपकी स्किन लटक सी गई है, लूज हो गई है वेट लॉस के बाद या प्रेगनेंसी के बाद भी, तो उसको ये फर्म करेगा, टाइट करेगा। ये सारी एक्सरसाइज आपको डेली फॉलो करनी है और सेम सेट्स और रिपीट करने हैं। इसको आपने करना है 20 टाइम्स और इसे करने हैं आपने 4 सेट्स। प्लीज ये मत पूछना कि इनमें से कोई एक एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको ये सारी करनी है अल्टरनेटिव डेज में। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करें, उसके बाद में पैरों को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए आपने वन हैंड से अदर साइड पर एकदम स्ट्रेच फील करना है, अपनी बॉडी को साइड पे लेके जाना है। ये आपके लव हैंडल्स को रिड्यूस करेगा, आपकी जो भी साइड की चर्बी है उसको बहुत अच्छे से कम करता है। स्टार्टिंग में आपका बैलेंस मुश्किल बनेगा, बट यार स्वीट हार्ट्स, अगर आप अपने आपको कुछ ठीक करना है, अपने बॉडी को शेप में लेकर आना है, तो बैलेंस और प्रैक्टिस तो डेली करनी ही पड़ेगी। 20 टाइम्स इसको आप रिपीट करें और साथ में इसके करने हैं आपने 4 सेट। Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. जब आप अपनी लेग्स को ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।